जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि कैलेंडर, थोड़ा कैलेंडर के बारे में बताइए। तो आज हम लोग कैलेंडर देखेंगे। तो कैलेंडर ऐसा एक टॉपिक है रीजनिंग का, जो किसी ना किसी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज कैलेंडर देखते हैं और कैसे इसको बनाते हैं इजी वे में। तो दोस्तों इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं करना है, बस दो चार चीजें याद करना है, जैसे माह का कोड याद करना है, शताब्दी का कोड याद करना है, और सूत्र तो ऐसे बहुत सिंपल है। तो माह का कोड कैसे याद करेंगे, तो अगर साधारण वर्ष रहेगा तो याद करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1/44, 0/25, 0/36, 1/46, 1/44, 0/25, 0/36, 1/46। तो यह साधारण वर्ष का हो गया, साधारण वर्ष का आपका 1/44, 0/25, 0/36, 1/46। अगर वहीं पर आपको लीप वर्ष पूछे, तो लीप वर्ष जिस में सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस जनवरी और फरवरी का याद करना है, बाद बाकी आपका मार्च से लेकर दिसंबर तक वही रहता है। तो इसमें जनवरी का 0 हो जाता है और फरवरी का 3 हो जाता है, जनवरी का 0, फरवरी का 3 हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा, जनवरी 0, फरवरी 3 हो जाता है, जबकि मार्च अप्रैल ये सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो साधारण वर्ष का रहता है वही लीप वर्ष का रहता है। अब देखिए, अब कहेंगे कि याद रखना है शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड में जैसे 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी ये सब पढ़ते हैं, जैसे 1600 रहेगा, 1700 रहेगा, 1800 रहेगा, 1900, 2000, तो इसका भी याद कर लेना है। तो 1600 का कोड 6 होता है, 1600 का कोड 6, 1700 का कोड 4 होता है, 1800 का कोड 2 होता है, 1900 का 0 होता है, 2000 का 6 होता है, ठीक है। चार चार वर्ष पर बदल जाएगा, जैसे 400 साल पर, जैसे 1600 होता है, 400 जुड़ेगा तो 2000 हुआ, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, वही 24 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी 6 हो जाएगा। तो याद रखना है 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। अब देखिए, अब आपसे पूछे कि शताब्दी कोड आखिर कैसे निकालेंगे, तो शताब्दी कोड निकालने के लिए कि मतलब 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं, अगर 0 शेष आ जाता है तो उसका कोड 6 होता है, 100 शेष आता है तो 4 होता है, 200 आता है तो 2 उसका कोड होता है, और 300 आता है तो 0। जैसे देख लेते हैं, जैसे 900 कहेगा तो 900 में 400 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 100 शेष बचा, तो 100 शेष के लिए, 100 शेष के लिए इसका कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 900 है, तो अगर 1200 जोड़िए तो 1200 इसमें 400 से भाग देंगे तो 0 आ रहा है, तो 0 शेष के लिए क्या होगा, कोड 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 शेष आएगा तो 6 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1500 है, 1500 में 400 से भाग देना है तो 4 × 3 = 12, 300 बचेगा, 300 के लिए क्या है, 0 शेष हो जाएगा, ठीक है, 0 शेष आ जाएगा। तो बस ये समझ गया कि शताब्दी कोड निकालने के लिए शताब्दी कोड कैसे निकलेगा, 400 से उसमें भाग दे देंगे। अब चलिए, अब आइए, अब आना है जैसे सूत्र है, सूत्र है तारीख प्लस माह का कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी बटा में 7। और एक और याद करना है, जैसे दिन रहेगा, जैसे रविवार के लिए एक कोड है, सोमवार के लिए 2, मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4, गुरुवार के लिए 5, शुक्र के लिए 6 और शनि के लिए 0। तो ये भी एक आपका कोड याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इतना समझ गए, माह का कोड साधारण वर्ष रहेगा तो 1/44, 0/25, 0/36, 1/46, लीप वर्ष रहेगा तो जनवरी फरवरी का बदल देना है, जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा। शताब्दी में कोड में याद रखना है 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6, ठीक है। इसे यहां से देख लीजिए ना, 400 पर बदल जाएगा आपका, फिर 1700 में 400 रहेगा तो 1900, 1700 + 2100 = 2100 हो जाएगा, तो उसका भी कितना आएगा, जितना 400 पर आपका सेम रहेगा, 400 वर्ष पर क्या रहेगा, जितना कोड आएगा उसका सेम रहेगा। और शताब्दी कोड निकाल लिया कैसे, 400 से भाग देना है, सूत्र हो गया। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, इसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, यहीं से शुरुआत करते हैं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो चलिए सूत्र से देखते हैं, 26 जनवरी, तो 26 है तारीख, सूत्र पढ़ाइए, तारीख जनवरी, जनवरी कौन सा है, सॉरी माह कौन सा है, तो जनवरी, जनवरी के लिए कोड क्या है, साधारण वर्ष है 1950, तो 1। अब आ जाएगा क्या, वर्ष, वर्ष क्या है, 1950 में वर्ष कितना, 50 वर्ष, तो 50। अब आता है लीप वर्ष, तो 50 साल में लीप वर्ष कितना हो जाएगा, तो 4 से भाग देंगे तो 12 लीप वर्ष आ जाएगा, 12 प्लस शताब्दी, तो कौन शताब्दी है, 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का कोड क्या है, 0। सबको जोड़िए, 7 से भाग दे दीजिए, टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 89, 89 में 7 से भाग देना है, 5 शेष बचेगा,
पांच शेष के लिए देखिए, दिन के कोट में क्या है, पांच शेष के लिए गुरुवार। तो यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। समझ गए, चलिए अब इसी पर बनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 में क्या है, साधारण वर्ष है, तो 15 तारीख 15 माह का कोड, तब माह कितना है, अगस्त, अगस्त का क्या है कोड 3 प्लस 47 में कितना आएगा, तो 12 चौका 48 होता है, लेकिन क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 लीप वर्ष का हो जाएगा, और प्लस शताब्दी का कोड, को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 से बजेगा, 6 के लिए कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, चलिए आ जाइए, 1947 कौन सा वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है, तो 15 सूत्र पर देखिए, तारीख 15 तारीख, अगस्त साधारण वर्ष में अगस्त का कोड 3 प्लस वर्ष में 47 में कितना लीप वर्ष होगा, तो 11 लीप वर्ष होगा, 11 चौके 44 प्लस 19वीं शताब्दी है, 1900 है, तो 1900 का कोड 0 भाग दे दीजिए 7 से, 7 से भाग देंगे, टोटल जोड़िए, टोटल जोड़ने पर आ जाएगा आपका 76 में 7 से भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। अब देखिए यहां देखिए 6 शेष के लिए कौन सा कोड है, कौन सा दिन है, शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। और आगे देखते हैं, ऐसा भी प्रश्न खूब पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि 18 मार्च 2002 को सोमवार दिन है, प्रश्न पूछा है तो 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां समझने वाली बात है, यहां 2000 के जगह पर आपसे 1900 दे देगा, ठीक है, 1900 1800, यहां भी 1800 देगा, यहां भी 1800 देगा, यहां भी 1900 देगा, यहां भी 1900 देगा, तो क्या होगा, शताब्दी दोनों में सेम रहेगा, तो शताब्दी को नहीं लेंगे। तो यहां आपसे 2002 पूछा है कि मैं 2007, तो चलिए सूत्र से इसको देखते हैं। पहले क्या करें, 18 मार्च के लिए कोड कौन सा है, तो मार्च के लिए 4, दो वर्ष है तो दो में कोई लीप वर्ष नहीं होगा, तो लीप वर्ष यहां 0 हो जाएगा, और शताब्दी दोनों में सेम है, 2000 का 6 होता है, तो नहीं लिखना है। ठीक है, 7, तो 18 4 22 24 में 7 से भाग देंगे तो 3 शेष आएगा, 3 शेष के लिए क्या दिन आता है, मंगलवार, 3 शेष के लिए मंगलवार आता है, 3 शेष के लिए मंगलवार, लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सोमवार दिन है, तो क्या हुआ, एक बैक जाना पड़ा। तो चलिए फिर उसी तरह इसको भी देखते हैं, जैसे 15 सितंबर है, तो 15 सितंबर का कोड क्या हो जाएगा, 6, और 2007 है तो 7, और 7 में लीप वर्ष, 4 से भाग देंगे तो 1, भाग देंगे 7 से तो 15 6 21 21 7 28 29 29 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, एक शेष के लिए कौन सा दिन, रविवार, तो हमको वहां पर एक बैंक जाना पड़ रहा है, तो हमको भी यहां एक बैंक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार से एक बैंक जाएंगे तो शनिवार, तो 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, शनिवार दिन होगा। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, चलिए जैसे आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो आज की भी डेट में देखते हैं कि कौन सा दिन होगा, तो ठीक है आज देखते हैं, ये हो गया क्लियर। जैसे आज आपका 7 जनवरी 2024 है, 7 जनवरी 2024 है, आज निकालते हैं कौन सा दिन होगा, तो 7 देखिए जनवरी क्या है, लीप, 2024 कौन सा है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 24 में लीप वर्ष कितना, 4 से भाग देंगे तो 6, 2000 का कोड 6 भागा 7 से भाग देना है, तो 24 6 30 30 6 36
और 36 7 43, 43 में भाग देना है किससे, आपका 7 से, 7 6 42, एक शेष के लिए कौन सा दिन, रविवार। आज कौन सा दिन है, रविवार है, ठीक है, संडे है। क्लियर हुआ? तो ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे का भी आप निकाल सकते हैं, जैसे अब देखिए, जैसे 7 जनवरी 2024 है, तो 7 जनवरी 2024 को आपको रविवार है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 7 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, तो 7 जनवरी 2025 को अगर लीप वर्ष से सहन वर्ष में जाएंगे तो एक बढ़ाना है, तो 7 जनवरी 2025 को एक बढ़ाएंगे, रविवार है तो अगले साल सोमवार होगा। लेकिन अगर यही 24 है, आपसे आप 24 4 सौ 28 तो में जाइएगा तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष रहेगा तो 2 दिन बढ़ जाता है, यानी साधारण वर्ष में 1 बढ़ता है, लीप वर्ष में 2 बढ़ता है। क्लियर हुआ दोस्तों? माह का कोड है, इस माह के कोड में भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न इससे भी हल हो सकते हैं इस ट्रिक से। जैसे जैसे मान लीजिए कि साधारण वर्ष में आपसे पूछे कि किसी तारीख में, अगर कोई भी तारीख है कोई भी साल में साधारण वर्ष हो, अगर जनवरी 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा, यानी जिसका कोड बराबर है, जैसे 1 जनवरी को सोमवार है किसी भी साधारण वर्ष में, तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा, ठीक है। अगर सितंबर महीना है, इसका जो 6 बराबर है, अगर इस दिसंबर में, तो किसी महीना में सितंबर में अगर पूछ दे कि आपसे कि मान लीजिए 1 सितंबर को साधारण वर्ष में, अगर 1 सितंबर को मंगलवार है तो 1 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। क्लियर हुआ? 1 सितंबर को मंगलवार तो 1 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। अगर 2 फरवरी, अगर साधारण वर्ष में 2 फरवरी को अगर मान लीजिए कि बुधवार है तो 2 मार्च को भी बुधवार होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए इसी टाइप पर एक क्वेश्चन पूछता है कि यदि मान लीजिए कि 15 दिसंबर को सोमवार हो तो इसी वर्ष के किस तारीख को सोमवार होगा, तो 15 दिसंबर, देखिए 15 दिसंबर का कोड जो 6 है, तो फिर 6 किसका कोड है साधारण वर्ष में, सितंबर का, तो क्या हो जाएगा, अगर यदि 15 दिसंबर को सोमवार होगा तो 15 सितंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए बनाना है कि 26 नवंबर 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, वह उस दिन कौन सा समय था। प्रश्न रहेगा कि 26 नवंबर 1950 को कौन सा दिन था, आप लोग को बना के कमेंट करना है इसको। क्लियर हुआ? और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।